दोस्तों, हम मनुष्यों के जीवन में समस्याएं तो होती ही हैं, और उन समस्याओं को लेकर हम अत्यधिक चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, उसका हल निकालने का प्रयास करते रहते हैं। उन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए हम तरह तरह के व्यक्तियों से सलाह लेते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, प्रेरक कहानियां और प्रेरक वीडियोस का सहारा भी लेते हैं, और ये सब कर लेने के बाद हमारे मन में आशा की एक किरण जाग उठती है और हमारे मन को यह लगने लगता है कि हाँ, अब हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता है तो उसके बाद हमें फिर से वही निराशा महसूस होने लगती है, हम फिर से हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। तब हमें यह प्रतीत होता है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम चाहे कितना भी प्रयास कर ले, हम चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। और जैसे ही आपके मन में ये सारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, आपका मन आप पर हावी होने लगता है, जिस कारण हमें हमारी वो छोटी सी समस्या और भी बड़ी प्रतीत होने लगती है और हम उससे डरकर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे उसका समाधान हमें नहीं मिलता, बल्कि वह समस्या हमारे पीछे पीछे भागती रहती है और हम उससे छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते ही रह जाते हैं। लेकिन इससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता, बल्कि हम उस समस्या में और भी घिरते चले जाते हैं और दिन ब दिन वो समस्या हम पर हावी होने लगती है, हमें और भी चिंतित करने लगती है, हमें और भी परेशान करने लगती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उन समस्याओं को वैसे ही छोड़ देना चाहिए, या फिर उसका हल निकालने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए? आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी से आप ये अच्छी तरह समझ जाएंगे कि आपको अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में तीन मित्र रहते थे। उन तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी और उन तीनों की अपनी अपनी समस्याएं भी थी। उन्होंने अपने जीवन की उन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए हर मुमकिन प्रयास तक किए, बहुत हाथ पैर मारे, कई तरह के उपाय किए, लेकिन उन्हें अपनी इस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था। जब भी उनके सामने कोई नई समस्या उत्पन्न होती तो वे तीनों मिलकर अपनी उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करते। शुरू शुरू में तो उन्हें लगता कि उनकी समस्या सुलझ रही है, लेकिन जैसे ही कुछ वक्त और बीतता वे लोग उसके सामने हार मान जाते, घुटने टेक देते, और फिर उन्हें यह लगता कि यह सब कुछ बेकार है, हमसे कुछ नहीं होने वाला। जिस समस्या के समाधान के लिए हमने इतने प्रयत्न किए, इतने उपाय किए, उसका तो कुछ हुआ ही नहीं, वह समस्या तो वैसे की वैसी ही खड़ी है। वे तीनों इसी बात को लेकर बहुत परेशान रहने लगे थे, बहुत चिंतित रहने लगे थे। उन तीनों ने मिलकर यह तय किया कि वह अपनी इस समस्या का समाधान अवश्य करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए वो इसका समाधान निकाल कर ही रहेंगे। उन तीनों ने एक लंबी यात्रा करने का निश्चय किया। उन्होंने यह सोचा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो उन्हें अवश्य मिल जाएगा जो उनकी इस समस्या का समाधान उन्हें अवश्य देगा। यही सोचकर उन तीनों ने इस यात्रा को आरंभ किया। वह कई दिनों तक यहां वहां भटकते रहे, लोगों से पूछते रहे, लोगों से उपाय लेते रहे, तरीके अपनाते रहे, लेकिन उनकी किसी भी समस्या का कोई समाधान उन्हें नहीं मिल रहा था। तभी एक दिन एक व्यक्ति उन्हें एक गुरु के बारे में बताता है और वह व्यक्ति उनसे कहता है कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है वह उनकी समस्या का समाधान अवश्य करते हैं, लेकिन याद रहे कि वह कभी भी
किसी से भी जल्दी मिलते नहीं हैं, और जिससे मिलते हैं उसकी समस्या का समाधान निश्चित है। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह तीनों मित्र उन गुरु से मिलने के लिए आगे की ओर चल पड़ते हैं। वह गुरु एक ऊंची पहाड़ी पर छोटा सा आश्रम बनाकर रहा करते थे। उन तीनों ने जैसे तैसे उस आश्रम का सफर तय किया और उन गुरु के पास पहुंचे। उन गुरु ने जब उन तीनों को देखा तो वे कहते हैं, तुम तीनों कौन हो और यहां पर क्या करने आए हो? तुम यहां से लौट जाओ, यहां तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। इस पर उन तीनों में से पहला मित्र कहता है, हे गुरुदेव, हमने आपके बारे में सुना है, आप सबकी समस्या का समाधान करते हैं। हम आपके पास बहुत दूर से आए हैं और हम आपसे अपनी समस्या का समाधान लिए बिना यहां से कहीं नहीं जाएंगे। आपको हमारी समस्या का समाधान करना ही होगा। इस पर वह गुरु उन तीनों से कहते हैं, तो ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा, मुझे अपनी समस्या बताओ। इस पर पहला मित्र कहता है, हे गुरुवर, मैं एक लड़की से विवाह करना चाहता हूं। मैं उससे कई दिनों से प्रेम करता हूं, लेकिन मेरे माता पिता उस लड़की से मेरी शादी नहीं होने देना चाहते। मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, उनके सामने हाथ जोड़े, उनके सामने विनती की, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे माता पिता उस लड़की से मेरी शादी नहीं होने देना चाहते। इतना कहकर पहला मित्र शांत हो गया और फिर दूसरा मित्र कहता है, हे गुरुवर, मेरा परिवार बहुत गरीब है और मैंने अपना ज्यादातर जीवन गरीबी में ही बिताया है, लेकिन मैं अब अमीर बनना चाहता हूं, मैं भी अत्यधिक धन कमाना चाहता हूं। इतना कहकर वह दूसरा मित्र भी शांत हो गया और फिर वह तीसरा मित्र कहता है, हे गुरुदेव, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं पहले से ही बहुत अमीर घराने से हूं, लेकिन मेरे अंदर आलस कूट कूट कर भरा हुआ है, मुझे क्रोध भी बहुत आता है और मैं अब मृत्यु के बहुत करीब हूं। मुझे एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन मैं अभी जीना चाहता हूं, अपने जीवन का वह सुख और आनंद पाना चाहता हूं। इतना कहकर वह तीनों मित्र शांत हो गए। तभी वह गुरुवर उन तीनों से कहते हैं, तुम तीनों ने जो भी समस्याएं मुझे बताई हैं, ये वास्तविक नहीं है। जब तुम तीनों को तुम्हारी असली समस्या पता चल जाए, तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान अवश्य करूंगा। उन गुरु की यह बात सुनकर वह तीनों सोच में पड़ गए कि आखिर यह समस्या नहीं है तो फिर क्या है। वे तीनों यही सोचने लगे कि हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, हमने तो वही समस्या इन गुरु को बताई है, फिर आखिर यह गुरु ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमने जो भी समस्याएं इन्हें बताई हैं वह वास्तविक नहीं है, और जब हमें हमारी सही समस्या पता चल जाए तब हम उनके पास जाएं। वे तीनों इन चीजों को लेकर आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन तीनों में से एक मित्र को एक युक्ति सूझी। उसने अपने बाकी मित्रों से कहा, क्यों ना हम अपनी समस्याएं इन गुरु के सामने अलग अलग तरीके से रखें, तो हो सकता है कि शायद ये हमारी समस्या समझ जाएं और हमें उसका समाधान दे दें। उन तीनों मित्रों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी समस्याएं उन गुरुवर के सामने अलग अलग तरीके से रखी, लेकिन अब की बार भी वह गुरुवर उन्हें यही बात कहते हैं कि तुम सब यहां से चले जाओ, जब तुम्हें तुम्हारी सही समस्या का पता चल जाएगा तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। उन तीनों को अब यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से इन गुरु के सामने अपनी समस्या रखे जिससे वह उनका समाधान हमें दे। उन तीनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और आखिरकार थक हार कर वह वापस लौटने लगे। तभी रास्ते में लौटते वक्त वह एक गांव से होकर गुजर रहे थे और उस गांव में उन्हें एक व्यक्ति मिला
जब उस व्यक्ति ने इन्हें दुखी और निराश देखा तो वह इनके पास गया और इनसे पूछने लगा कि आखिर क्या बात है, तुम तीनों इतना निराश क्यों हो, क्या कोई बात है। इस पर उन तीनों में से पहला मित्र कहता है, हे मित्र, हम तो इस पहाड़ी वाले बाबा के पास आए थे। हमने सुना था जो भी इनके पास आता है वो उसकी समस्या का समाधान अवश्य करते हैं। हम भी इनके पास अपनी समस्या का समाधान लेने आए थे, लेकिन इन्होंने तो हमें यह कहकर टाल दिया कि जाओ और जब तुम्हें तुम्हारी सही समस्या पता चल जाए तब तुम मेरे पास आना और मैं तब तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। जबकि हमने तो अपनी सभी समस्याएं उनके सामने रख दी थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो बार बार केवल एक ही राग अपनाए हुए हैं। इस पर वो गांव वाला व्यक्ति इन तीनों से इनकी समस्या पूछता है। वे तीनों मित्र एक एक करके अपनी समस्या उस व्यक्ति को बता देते हैं। इस पर वह व्यक्ति जोर से हंस पड़ता है और कहता है, मुझे तुम्हारी समस्या पता चल चुकी है। तुम तीनों उन गुरु के पास वापस जाओ और उनसे कहो कि हम तीनों की समस्या एक ही है और हमें इसका समाधान चाहिए। फिर देखो वो तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य देंगे। वे तीनों वापस उन गुरु के पास पहुंचे और उन गुरु को प्रणाम करके वे तीनों कहते हैं, हे गुरुदेव, हमें हमारी समस्या का पता चल चुका है और हम तीनों की समस्या एक ही है, कृपया करके हमारी समस्या का समाधान करें। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उन तीनों मित्रों से कहते हैं, तुम तीनों की समस्या का एक ही समाधान है, यदि तुमने उसे अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इस पर वह तीनों मित्र उन गुरु से कहते हैं, हे गुरुवर, वो कौन सा समाधान है, कृपया करके हमें बताइए। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए उन तीनों से कहते हैं, तुम तीनों की समस्याओं का समाधान है ध्यान। तुम तीनों को ध्यान करना होगा। जब तक कि तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं मिल जाता और तुम चाहो तो तुम यह ध्यान मेरे पास रहकर भी कर सकते हो। वह तीनों उन गुरु की यह बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि अब उनकी समस्या का समाधान उन्हें मिल ही जाएगा। वे तीनों उन गुरु के पास रहने के लिए तैयार हो चुके थे। तभी वह तीनों मित्र उन गुरुवर से कहते हैं, हे गुरुवर, हम ध्यान कैसे करें, हमें ध्यान करना नहीं आता, कृपया करके आप ही हमें मार्ग दिखाइए। इस पर वह गुरुवर उन तीनों से कहते हैं, तुम्हें आंखें बंद करके बैठना है और अपनी सांसों पर ध्यान देना है और इसी प्रकार तुम ध्यान तक पहुंच सकोगे और अपनी सभी समस्याओं का हल भी जान सकोगे। उन तीनों ने उन गुरुवर की ये बातें मान ली और उन्होंने अगले दिन से ही ध्यान करना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया। सप्ताह के बाद महीना, महीने के बाद करीबन 6 महीने बीत गए, लेकिन अब तक वे अपनी समस्याओं का समाधान नहीं जान सके थे, जिस कारण वो और भी ज्यादा परेशान हो चुके थे और भी ज्यादा चिंतित हो चुके थे। एक दिन वो वापस उन गुरु से कहते हैं, हे गुरुदेव, जैसा कि आपने कहा था कि हम सभी की समस्याओं का समाधान केवल ध्यान है, तो हमने वो भी करके देख लिया, लेकिन आपके कहे अनुसार तो हमें हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं मिला। हम पहले जहां पर थे अब भी वहीं पर हैं और हमारी समस्याएं भी वैसे की वैसी ही हैं। मेरे माता पिता अब भी उस लड़की से मेरी शादी नहीं होने देना चाहते। इस पर दूसरा मित्र कहता है, हे गुरुदेव, मैं भी अब तक गरीब ही हूं, मेरे पास कोई धन नहीं है। और इस पर तीसरा मित्र भी कहता है, हे गुरुदेव, मेरे अंदर अभी भी आलस्य कूट कूट कर भरा हुआ है, मैं बात बात पर क्रोधित हो उठता हूं और मेरी बीमारी भी अब तक खत्म नहीं हुई।
इस पर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उन तीनों से कहते हैं, जब तक तुम तीनों ध्यान नहीं करोगे तब तक ध्यान नहीं हो पाएगा। तुम तो बस अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हो, तुम तीनों ध्यान नहीं कर रहे। यदि तुम्हारे मन में पहले से ही विचार होंगे, पहले से ही तुम दुखी होगे, तो फिर तुम्हारा ध्यान ध्यान में कैसे लगेगा? तुम ध्यान कैसे कर सकोगे? ध्यान का अर्थ खुद को जानना होता है, खुद को पहचानना होता है। यदि तुम खुद को ही नहीं जान सके तो तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान कैसे मिलेगा? इतना कहकर वह गुरुवर उन तीनों को कहते हैं, तुम तीनों मेरे साथ चलो। इतना कहकर वह गुरुवर उन्हें एक गांव में ले जाते हैं। उस गांव में एक छोटा सा घर था। उस घर में एक छोटा सा बच्चा फटे पुराने कपड़े पहनकर पत्थरों से खेल रहा था और वह बहुत भूखा था। उसका घर टूटा फूटा था। उसकी माँ भी अंदर भूखी बैठी थी और उसके पिता बाहर भोजन का इंतजाम करने गए थे। उस परिवार की ओर इशारा करते हुए वह गुरुवर उन तीनों को कहते हैं, तुम तीनों उस बच्चे को ध्यान से देखो। वह बच्चा कितना भूखा है। फटे पुराने कपड़े पहनकर वह अपने खेल में मस्त है। जितना आनंद तुम्हें अपनी धन दौलत में नहीं आ रहा, जितना आनंद तुम्हें अच्छा भोजन पाकर भी नहीं मिल रहा, अच्छे कपड़े पहनकर भी नहीं मिल रहा, सम्मान पाकर भी नहीं मिल रहा, अपने अधिकारों में नहीं मिल रहा, उससे कहीं अधिक आनंद उस बच्चे को उस कंकड़ पत्थर से खेलने में मिल रहा है। उस बच्चे की तरफ ध्यान से देखो। वह बच्चा कितना आनंदित है। उसे जोरों की भूख लगी है, लेकिन इसके बावजूद वह खेल में मस्त है। अब तुम तीनों एक एक करके उसके पास जाओ और उससे उसका वह पत्थर खरीद कर लाओ। उन गुरु की आज्ञा मानते हुए पहला मित्र उस बच्चे के पास गया और उससे कहने लगा, बेटा यह पत्थर मुझे दे दो, मेरे पास बहुत सारा धन है, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, लेकिन यह पत्थर मुझे दे दो। इस पर वह बच्चा उस पहले मित्र को जवाब देते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं आपको नहीं दूंगा, यह मेरा है और मैं यह आपको नहीं दे सकता। उस बच्चे की यह बात सुनकर वह पहला मित्र वापस उन गुरुवर के पास लौट आया। उसके बाद वह दूसरा मित्र उस गरीब बच्चे के पास जाता है और उस गरीब बच्चे से कहता है, बेटा लाओ ये पत्थर मुझे दे दो, मैं भी तुम्हारे इतना ही गरीब हूं, मेरे घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं है। तुम देख सकते हो कि मैं भी एक गरीब परिवार से हूं, इसलिए यह पत्थर मुझे दे दो। लेकिन अब की बार भी वो बच्चा नहीं मानता है और दूसरा मित्र भी वापस लौट आता है। अब की बार वह तीसरा मित्र उस बच्चे के पास जाता है और उस बच्चे से कहता है, बेटा यह पत्थर मुझे दे दो, मैं तुम्हें ढेर सारा भोजन लाकर दूंगा। यह बात सुनकर वह लड़का सोच में पड़ गया और कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह उस तीसरे मित्र से कहता है, भैया मुझे 5 रोटी दे दीजिए, 2 रोटी मेरी माता खा लेंगी, 2 रोटी मेरे पापा के लिए और 1 रोटी मैं खा लूंगा, जिससे हमारा पेट भर जाएगा और उसके बाद मैं आपको यह पत्थर दे दूंगा। यह सुनकर वह तीसरा मित्र दौड़ा दौड़ा बाजार की ओर गया और वहां से उसने ढेर सारा भोजन लाया और उस बच्चे को थमा दिया। यह देखकर वह बच्चा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने खुशी खुशी वह भोजन लिया और अपने हाथ में वो छुपाए हुए पत्थर उस तीसरे मित्र के हाथ पर रख दिए। पर ऐसा करते हुए उस बच्चे के मन में उन पत्थरों के प्रति अत्यधिक प्रेम था। वह बहुत प्रेमपूर्वक उन पत्थरों को देख रहा था, जैसे उसके हाथों से उसकी पूरी संपत्ति जा रही हो, जैसे उसके हाथों से उसका खजाना जा रहा हो। उस तीसरे मित्र को उस बच्चे के हाथों से वह पत्थर लेते हुए जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उस तीसरे मित्र ने
वह पत्थर उस बच्चे को वापस लौटा दिया और भोजन देकर वह वहां से चला गया और उन गुरुवर के पास पहुंचा। उन गुरु से वह कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझे माफ कीजिए, मैं आपके लिए वह पत्थर नहीं ला सका। इस पर वह गुरुवर उन तीनों से कहते हैं, तुमने देखा, एक छोटा सा बालक ऐसे कठिन समय में भी ऐसी चीजों में खुशी ढूंढ ले रहा है जो चीजें तुम्हें बेकार लगती हैं। वह हर छोटी से छोटी चीज में भी आनंदित है, खुश है, फिर चाहे वह भूखा ही क्यों ना हो, लेकिन उसके पास जो है वह उसमें मस्त है, खुश है। और तुम, जबकि तुम्हारे पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी तुम लोग दुखों से मरे जा रहे हो। जो तुम्हारे पास है तुम उसे नहीं देख रहे, बल्कि जो तुम्हारे पास नहीं है तुम उसे देखना चाहते हो, उसे पाना चाहते हो, उसे जानना चाहते हो। यह सुनकर वह तीनों मित्र उन गुरुवर से कहते हैं, हे गुरुदेव, आप ही हमें बताइए कि हम भला इस बच्चे की तरह कैसे सुखी रह सकते हैं, हम भला हर परिस्थिति में कैसे खुश रह सकते हैं। इस पर वह गुरुवर उन तीनों से कहते हैं, क्या सच में तुम तीनों अपने जीवन में वह आनंद पाना चाहते हो, वह शांति पाना चाहते हो, तो तुम्हें ध्यान करना होगा, क्योंकि ध्यान ही तुम्हें सत्य की ओर ले जा सकता है और सत्य ही तुम्हें शांति प्रदान करेगा, तुम्हें तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान देगा। उन गुरु की यह बात सुनकर उन तीनों के मन में सत्य प्राप्त करने की इच्छा जाग उठी। उन्हें बस अपने आप को जानना था, अपने आप को पहचानना था। वह यह भूल चुके थे कि वह उन गुरु के पास किस समस्या को लेकर आए थे और वह किसका समाधान चाहते थे। और वे तीनों अपनी अपनी साधना में लग गए। लेकिन साधना के वक्त उनके मन में एक और प्रश्न उठा। उन तीनों में से पहला मित्र कहता है, हे गुरुवर, जब हम ध्यान कर रहे थे तो उस वक्त मेरे मन में अनेकों तरह के विचार चल रहे थे, अनेकों तरह के विचार ने मुझे घेर लिया था। मैं जितना गहन ध्यान करने का प्रयास करता हूं उतना ही ज्यादा विचार मुझे परेशान करने लगते हैं, मैं उतना ही ज्यादा उन विचारों में घिरता चला जाता हूं और मुझे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। इस पर वह गुरुवर उन तीनों से कहते हैं, जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हें मन के रास्ते से ही होकर गुजरना होता है, और जब तुम मन के रास्ते से होकर गुजरोगे, मन के भीतर चलोगे, तो तुम्हें मन तरह तरह के विचार ही दिखाएगा, क्योंकि हमारा मन विचारों से ही तो बना है। और तुम जितना रास्ता तय करते जाओगे, मन तुमको रोकने का उतना ही अथक प्रयास भी करेगा, वह तुम्हें उतने ही अधिक विचारों में घेरता चला जाएगा, ताकि तुम ध्यान करना छोड़ दो। और जब तुम ध्यान नहीं करोगे तब तुम्हारे मन में उतने विचार नहीं आएंगे, पर जैसे ही तुम ध्यान के लिए मन के रास्ते उतरते हो, वह तुम्हें तरह तरह के विचार दिखाना शुरू कर देता है। परंतु तुम्हें इन विचारों से डरना नहीं है, तुम्हें तो इन्हीं विचारों को पार करके आगे जाना है, तुम्हें रुकना नहीं है। और तुम्हारे रास्ते में यदि विचार आ रहे हैं और तुम्हारा मन तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि तुम सही रास्ते पर हो, बस तुम्हें आगे बढ़ते जाना है और तुम्हें खुद को जानना है, पहचानना है। उन तीनों ने उन गुरुवर की सारी बातें अच्छी तरह समझ ली और वह ध्यान करने लग गए। धीरे धीरे उन्हें महीनों बीत गए और महीनों के बाद साल, लेकिन अब तक वह अपने आप को नहीं जान पाए थे, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं हो पाया था। वह इस बात को लेकर अत्यधिक चिंतित रहते, परेशान रहते, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। तभी वह गुरुवर उन तीनों से कहते हैं, तुम्हारा मन तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है, तुम्हारा मन तुम्हें दुखों की ओर खींच रहा है, और दुखी मन कभी भी ध्यान नहीं कर सकता, वह तो समस्याओं में ही उलझा रह जाता है। जैसे कि अब तुम्हारी समस्या यह है
कि तुम करीबन एक सालों से ध्यान कर रहे हो, लेकिन तुम ध्यान को प्राप्त नहीं कर सके। इतना समय बीत चुका है और तुम अपने आप को अब तक जान नहीं पाए। तभी वह गुरुवर उन तीनों को आकाश की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, देखो उस आकाश की ओर देखो, उस आकाश में बादल मंडरा रहे हैं। उन बादलों को अपना दुख समझो, मन की चाल को समझो, जो सूर्य के प्रकाश को तुम तक आने से रोक रहा है। क्या तुम इन बादलों को रोक सकते हो? क्या तुम इन बादलों को हटा सकते हो? क्या तुम इनका कुछ कर सकते हो? इस पर वह तीनों मित्र उन गुरु से कहते हैं, नहीं गुरुवर, हम इस बादल का कुछ नहीं कर सकते। इस पर वह गुरुवर कहते हैं, तुमने ठीक कहा, तो फिर तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम्हें तो यह देखना चाहिए कि कितने सुंदर बादल हैं और कितना सुंदर दृश्य है। तुम्हें तो इसका आनंद लेना चाहिए। दुखी होना छोड़कर तुम्हें इस पल का आनंद उठाना चाहिए। उन गुरुवर की ये सारी बातें उन्हें अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी। उन्होंने फिर से ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे वह ध्यान में उतरते चले गए। उनके मन में शांति होने लगी, उनकी समझ बढ़ने लगी और समझ बढ़ते बढ़ते उनका चीजों को देखने का नजरिया भी पूरी तरह से बदल चुका था। उनमें सत्य देखने की दृष्टि उत्पन्न हो चुकी थी। अब वह जब भी ध्यान करने बैठते तो बहुत तेजी से ध्यान में उतर जाते और उन्होंने अब इसका इतना प्रयास कर लिया था कि अब वह सत्य को प्राप्त भी कर चुके थे। तभी एक दिन वह गुरुवर उन तीनों के पास आए और उनसे कहने लगे, बताओ अब तुम्हारे जीवन में क्या समस्या है? मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अभी किए देता हूं। इस पर पहला मित्र कहता है, हे गुरुदेव, जिसे मैं प्रेम समझ रहा था वह तो वासना थी, लगाव था, आदत थी। जिसमें मैं सुख ढूंढ रहा था वह तो खुद एक दुख का सागर था। तभी अगला मित्र कहता है, हे गुरुदेव, जिसके पास जीवन है, जो स्वस्थ है, जो अनुभव कर सकता है, सोच समझ के साथ जी सकता है, वह अमीर है और बाकी सब गरीब है। जो जितना ज्यादा धनी है वह अमीर है, ऐसा उनका भ्रम है। वास्तविक तौर पर तो वो उतना ही ज्यादा दुखी है, परेशानियों से घिरा हुआ है और उतना ही गरीब है। आगे वह तीसरा मित्र कहता है, हे गुरुदेव, जीवन के पहले और जीवन के बाद गहरी नींद है, पर जो इस समय पर भी आलस्य में डूबा रहता है वह कर्महीन है। ऐसे व्यक्ति अपने लिए नरक का निर्माण करते हैं। जो जाग रहा है, जो जागरूक है, उसे इस जीवन का आनंद मिलता है और जो सो रहा है उसे केवल दुख। आगे वह कहता है कि जो खुद को ठीक से नहीं समझ पाते, जिनका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसे नासमझ लोग अपने कर्मों के कारण क्रोध उत्पन्न करते हैं और यही क्रोध हमें नष्ट कर देता है। यही क्रोध हमारे विनाश का कारण भी बनता है। यही क्रोध हमारी सोच समझ को खा जाता है। हमारे अंदर जो ऊर्जा है उसे भी यह नष्ट कर देता है। लेकिन मनुष्य के जीवन में शांति ही परम सत्य है। क्रोध, भ्रम, ये सब झूठ है। आगे वह कहता है, हे गुरुवर, मैं बीमार हूं पर अब भी जीवित हूं। मृत्यु तो कभी भी किसी को भी आ सकती है, लेकिन जो वर्तमान में जी रहा है वह मृत्यु से कभी नहीं डरता, क्योंकि वह हर एक पल को भरपूर जी रहा है। वह अपने आप में संपूर्ण होता है। उसके मन में ना तो कोई इच्छाएं होती हैं, ना ही कोई कामना और ना ही कोई वासना। वह हर पल, हर दिन एक नया जीवन जीता है। उसके लिए हर दिन नया है, खास है। इन तीनों की ये बातें सुनकर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उन तीनों से कहते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो क्या तुम तीनों की समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं? क्या तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान मिल चुका है? इस पर वह तीनों कहते हैं, हे गुरुदेव, वह तो समस्याएं थी ही नहीं, बस हम ही उसे समस्या समझ रहे थे। हमारे अंतर्मन में
जो भी उथल पुथल होती है वही हमें समस्या लगती है, वही हमें समस्या के रूप में दिखाई पड़ती है। और हम मोह, माया, जीवन मरण, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में ऐसे उलझ जाते हैं कि हमें और कुछ नजर नहीं आता। हम इस जीवन को भी समझ नहीं पाते, हम अपने आप को समझ नहीं पाते, अपने आप को देख नहीं पाते, अपने आप को जान नहीं पाते। हम यह भूल जाते हैं कि चारों ओर केवल समाधान ही समाधान है, उत्तर ही उत्तर है, समस्याएं तो है ही नहीं। इतना कहकर उन तीनों ने उन गुरुवर को प्रणाम किया और वापस अपने घर की ओर लौट गए। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में ऐसी बहुत सी चीजों के अंदर फंसे हुए हैं जो हमें लगता है कि हमारी समस्या है, लेकिन वास्तविक तौर पर यह कोई समस्या नहीं है। समस्याएं तो हम खुद खड़ी करते हैं। और अगर आपके सामने भी ऐसी कोई समस्या है तो इसका सत्य भी यही है कि आपकी इन समस्याओं का समाधान केवल दो ही लोग कर सकते हैं, एक तो है समय और दूसरा आप खुद। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।